नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते मुद्दे के खिलाफ एकता के एक शक्तिशाली प्रदर्शन में ग्रेटर श्रीनगर नेतृत्व ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एक धरना आयोजित किया। कश्मीर घाटी के भीतर नशीली दवाओं की लत के मामलों में खतरनाक वृद्धि पर प्रकाश इस प्रदर्शन का मकसद था। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हर 12 मिनट में एक ड्रग एडिक्ट को श्रीनगर ओपीडी में भर्ती करवाया जा रहा है। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि इस बढ़ते संकट से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं है, सभी को अपने स्तर पर आगे आना पड़ेगा। सैयद मोहम्मद हुसैनी ने कहा कि डॉक्टरों, वकीलों, धार्मिक नेताओं और शिक्षकों सभी को नशे को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा घाटी के सभी कोनों से समर्थन जुटाने के लिए एक ऑनलाइन हैशटैग अभियान शुरू किया जाएगा, जो इस मुद्दे को खत्म करने की सामूहिक जिम्मेदारी को उजागर करेगा। मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद फहीम रेशी ने टिप्पणी की कि केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, अगर कश्मीर को नशा मुक्त करना है तो सभी को साथ मिलकर काम करना होगा और सभी का ये कर्तव्य है कि घाटी को नशा मुक्त किया जाए। अब देखिए श्रीनगर कहां से कहां पहुंच गया, हमारा महाशरा किस तरफ जा रहा है, हमें रोना आता है कि हमारा महाशरा किस तरफ जा रहा है, कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। अभी हमारे भाई सुसाइड कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, एज पर ड्रग ही सब कुछ हो रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट कर दें कि वो हमें सपोर्ट करें और हर किसी बिला मजहब मिल्लत वो हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ मिलें, हम इस ड्रग पे ड्रग फ्री श्रीनगर जो ये बेचते हैं उनको पुलिस के हवाले करेंगे। और पुलिस ने भी, SSP श्रीनगर ने भी बहुत अच्छा काम किया है, अब हम उनका साथ देने के लिए तैयार है। जहाँ पे भी ये ड्रग बेचते होंगे ये भी हम ही में से है, उनका ज़मीर है ही नहीं कि जो इस माशरे को खत्म कर रहे हैं, उनके बच्चे भी इसमें फंसे हैं, वो खुद भी फंसे हैं, मगर उनको उनके उनमें से वो जमीर नाम की चीज ही नहीं है कि वो ये बेच रहे हैं। यहाँ पे लोग डरते हैं और हमने आज ये आवाज उठाई है, हर किसी स्कूल में जाएगी, हर किसी मोहल्ले में जाएगी और हर किसी कॉलेज में ये आवाज जाएगी। इंशाल्लाह मंडे से हम हर किसी स्कूल जाएंगे, हर किसी कॉलेज जाएंगे, हर किसी मस्जिद के मौली साहब से मिलेंगे, हर किसी मोहल्ले के प्रेसिडेंट से मिलेंगे। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से जुबैर कुरेही की रिपोर्ट। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते मुद्दे के खिलाफ एकता के एक शक्तिशाली प्रदर्शन में ग्रेटर श्रीनगर नेतृत्व ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एक धरना आयोजित किया। कश्मीर घाटी के भीतर नशीली दवाओं की लत के मामलों में खतरनाक वृद्धि पर प्रकाश इस प्रदर्शन का मकसद था। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हर 12 मिनट में एक ड्रग एडिक्ट को श्रीनगर ओपीडी में भर्ती करवाया जा रहा है। सभी ने इस बात पर जोर दिया कि इस बढ़ते संकट से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं है, सभी को अपने स्तर पर आगे आना पड़ेगा। सैयद मोहम्मद हुसैनी ने कहा कि डॉक्टरों, वकीलों, धार्मिक नेताओं और शिक्षकों सभी को नशे को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा घाटी के सभी कोनों से समर्थन जुटाने के लिए एक ऑनलाइन हैशटैग अभियान शुरू किया जाएगा, जो इस मुद्दे को खत्म करने की सामूहिक जिम्मेदारी को उजागर करेगा। मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद फहीम रेशी ने टिप्पणी की कि केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, अगर कश्मीर को नशा मुक्त करना है तो सभी को साथ मिलकर काम करना होगा और सभी का ये कर्तव्य है कि घाटी को नशा मुक्त किया जाए। अब देखिए श्रीनगर कहां से कहां पहुंच गया, हमारा महाशरा किस तरफ जा रहा है, हमें रोना आता है कि हमारा महाशरा किस तरफ जा रहा है, कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। अभी हमारे भाई सुसाइड कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, एज पर ड्रग ही सब कुछ हो रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट कर दें कि वो हमें सपोर्ट करें और हर किसी बिला मजहब मिल्लत वो हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ मिलें, हम इस ड्रग पे ड्रग फ्री श्रीनगर जो ये बेचते हैं उनको पुलिस के हवाले करेंगे। और पुलिस ने भी, SSP श्रीनगर ने भी बहुत अच्छा काम किया है, अब हम उनका साथ देने के लिए तैयार है। जहाँ पे भी ये ड्रग बेचते होंगे ये भी हम ही में से है, उनका ज़मीर है ही नहीं कि जो इस माशरे को खत्म कर रहे हैं, उनके बच्चे भी इसमें फंसे हैं, वो खुद भी फंसे हैं, मगर उनको उनके उनमें से वो जमीर नाम की चीज ही नहीं है कि वो ये बेच रहे हैं। यहाँ पे लोग डरते हैं और हमने आज ये आवाज उठाई है, हर किसी स्कूल में जाएगी, हर किसी मोहल्ले में जाएगी और हर किसी कॉलेज में ये आवाज जाएगी। इंशाल्लाह मंडे से हम हर किसी स्कूल जाएंगे, हर किसी कॉलेज जाएंगे, हर किसी मस्जिद के मौली साहब से मिलेंगे, हर किसी
मोहल्ले के प्रेसिडेंट से मिलेंगे। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से जुबैर कुरेही की रिपोर्ट।